सो व्हाट्सएप गाइस, मेरा नाम जान दफर है और आज की वीडियो में हम एक बजट पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं। दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ठोक दो यार, वीडियो को एक लाइक ठोक दो, सिंपल सा एक लाइक ठोक दो यार, बड़ी बात नहीं है, एक लाइक ठोक दो। दोस्तों हम बात करने जा रहे थे बजट पीसी बिल्ड की, तो मैं एक सस्ता सा बजट पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ जिसकी प्राइस है तकरीबन, तो यार ये बजट पीसी आपको 6000 से लेकर 7000 तक का पड़ जाएगा और इस पर आप GTA 5 आप खेल सकेंगे। प्लेयर ऐसे पहले रिलेशन में यानी कि 420p पर, ना ज़्यादा अच्छी ग्राफिक्स आएंगे ना ज़्यादा लो ग्राफिक्स आएंगे। दोस्तों ये आपको पीसी 6 से लेकर 7000 तक का पड़ जाएगा। दोस्तों इस पीसी के बारे में आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या लगाया। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन करें यार इसको ही प्रेस करो ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले बदल जाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हर किसी की इतना बजट नहीं होता कि मैंने जो अपने वीडियोस बनाई है 15,000-20,000 वाले पीसी की, इतना किसी का बजट नहीं होता कि वो पीसी खरीद सके। तो दोस्तों तभी मैं आपके लिए कम बजट के लिए कम बजट वाला या सबसे अच्छा पीसी इसलिए लेके आया हूँ ये ताकि आप हर कोई इस पर गेम खेल सके अच्छे अच्छे। इस पर खाली GTA 5 नहीं चलेगा, अगर आप इस पर पबजी चलाएँ तो लोग में क्या पता आपकी किस्मत हो तो चल जाए ना चल जाए, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने जब रन करा था तो बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि पबजी खेलने की तो चलेगा नहीं, गेम नहीं चल सकता क्योंकि वो इंटरनेट कनेक्शन मांगता है इसलिए। तो गेम वो इतना सही भी चल रहा था, लेकिन जो GTA 5 है ये बिल्कुल सही चल रहा है 420p के रेजोल्यूशन में, मतलब FPS सही दे रहा है, सही है। गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं कर सकते लेकिन आप गेम खेल सकते हैं GTA 5 अगर आप खेल सकें। आप इसके अंदर Battlefield 4 भी खेल सकते हैं बड़ी आसानी से, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑफ 2 भी खेल सकते हैं बड़ी आसानी से, ब्लैक ऑफ 1 भी खेल सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों का नीड फॉर स्पीड Shift 1 भी खेल सकते हैं बड़ी आसानी से, Max Payne 3 भी खेल सकते हैं। दोस्तों मतलब जो बड़े बड़े गेम में आप खेल तो सकते हैं लेकिन आपको रिकॉर्ड नहीं कर सकते गेम प्ले इनका, तो जैसे काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों चलिए पीसी के बारे में बात करते जाते हैं। दोस्तों पीसी पर जो प्रोसेसर लगाया है वो Core 2 का है E8400 जिसकी प्राइस अभी मार्केट में 400 rupees चल रही है। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ज़्यादा महंगे से महंगा 500 rupees का मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, ये इसकी प्राइस अभी चल रही है 400 rupees ही चल रही है। दोस्तों अब बात करने जाते हैं हम इसके रैम की, तो रैम जो मैंने यूज़ करी है तो मैं सोचा था 3GB यूज़ करूँ लेकिन नहीं 3GB नहीं, इस पर हमने जो रैम यूज़ की है वो 4GB रैम है, तकरीबन 3GB रैम है, यही 3GB 4GB रैम है, 3,000-3,000 rupees तक की मिल जाएगी आपको। अगर आप 3GB लगा रहे हैं तो वो भी सही है, अगर 4GB लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आपको लेकिन दोनों रैम में देखते भी लेंगे आप 4,000 rupees तक की मिले तब आप लें, 4 से लेकर 3,000 rupees की, 3 से लेकर 4,000 तक की मिले अगर आपको तब आप लगाएं। तो दोस्तों अब हम बात करने जाते हैं हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क हम 160GB की लगा रहे हैं जिसकी प्राइस अभी मार्केट में 400 rupees से 500 rupees चल रही है, इससे महंगी नहीं है। तो हार्ड डिस्क भी लग गई इसमें 500 rupees की हार्ड डिस्क है 160GB की। दोस्तों अब बात करते हैं हम ग्राफिक कार्ड की, दोस्तों मैं ग्राफिक कार्ड यूज़ करने जा रहा हूँ वो यूज्ड में है GT 440 आप सही सुना आपने, जो ये ग्राफिक कार्ड यूज्ड में है इसका नाम है GT 440 क्योंकि बेस्ट ग्राफिक कार्ड है। अगर आप चाहें तो ये सस्ते में आपको 1,000 rupees में एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है मिलेगा जो कि बेस्ट है। अगर आपको ये मार्केट में चेंज करें दुकान चेंज करें अगर आपको ज़्यादा महंगा मिले, जो प्राइस चली है वो अभी 1,000 rupees चली है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको इस ग्राफिक कार्ड के स्पेक्स। दोस्तों अगर हम इस ग्राफिक कार्ड की मेमोरी के बारे में बात करने जाएँ तो ये 512 MB रैम की मेमोरी है। तो दोस्तों अगर आप इसकी मेमोरी स्पीड की बात करने जाएँ तो 100 mAh की स्पीड दे रहा है ये, और मेमोरी बस इसकी 128 bit यानी कि 128 bit ग्राफिक कार्ड है। मेमोरी टाइप इसकी GDDR5 है। मेमोरी बैंडविड्थ इसकी 51.2 GB है, L2 से कहकर 256 है, VGA कनेक्शन 1 है इसका। और दोस्तों ये बेस्ट ग्राफिक कार्ड है, अगर आप इस ग्राफिक कार्ड को अपने लगा लें पीसी पर तो आपकी बात ही बन जाए। दोस्तों ये था एक बजट पीसी जिस पर आप बहुत सारा गेम खेल सकते हैं, GTA 5 खेल सकते हैं 420p पर, Battlefield 4 भी खेल सकते हैं, नीड फॉर स्पीड भी खेल सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 भी खेल सकते हैं। दोस्तों ये था, इस पर आप पबजी भी खेल सकेंगे आसानी से, लेकिन इतना अच्छा रेजोल्यूशन नहीं देगा आपको, थोड़ा सही देगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी मालूम मिली होगी कि आपको 6,000 rupees में कौन सा बजट पीसी सही मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो हाजिर होंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अलग एक बार।